कृतज्ञ फाउंडेशन और अतुल भारत चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में खेल महोत्सव का भव्य आयोजन संपन्न। चुनार क्षेत्र के शिवम पब्लिक स्कूल पुरुषोत्तमपुर में अतुल भारत चैरिटेबल ट्रस्ट एवं कृतज्ञ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में खेल महोत्सव पुरस्कार वितरण सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को बतौर अतिथि उप जिलाधिकारी चंद्रभानु सिंह ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सेफालिका राय, राम प्रताप यादव, अवध बिहारी राजपूत, विजय सिंह, इंद्रजीत पटेल, संतोष कुमार सिंह, राम दुलार सिंह, सुरेंद्र सिंह, सूर्यप्रकाश सिंह, संदीप पटेल, अवधे सिंह आदि लोग मौजूद रहे। साथ ही साथ प्रहलाद सिंह, भगवंत सिंह ने सभी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत अतुल कुमार सिंह ने किया। कार्यक्रम का संचालन शंकर सिंह शाक्या, आभार प्रेम शंकर पांडे ने किया। उक्त अवसर पर अखिलेश कुमार सिंह, बेद सिंह, पंकज सिंह पटेल, अमन सिंह, प्रवीण सिंह सहित तमाम गणमान्य नागरिक, अभिभावक, छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। क्या कहेंगे सर? आज 4 दिसंबर को कृतज्ञ फाउंडेशन द्वारा विभिन्न जनपदों के प्रतियोगी बच्चे बुला करके खेल के संबंध में प्रतियोगिताएँ कराई गई और निबंध लेखन और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी कराए गए हैं। निश्चित रूप से कृतज्ञ फाउंडेशन द्वारा जो अतुल जी द्वारा चलाया जा रहा है एक सराहनीय कदम है और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और इससे बच्चों को निश्चित रूप से आगे जाने में मदद मिलेगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है तहसील द्वारा? नहीं, खेल के लिए तो सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हर गांव में खेल का मैदान भी चयनित किया जा रहा है। पूर्व से भी चयनित है, जहां पर नहीं वहां पर चयनित किए जा रहे हैं और खेल को सरकार और केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों बढ़ावा दे रहे हैं। सर, आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे? आज के युवाओं को देखिए, प्रतियोगिता का समय है, शीर्ष में रहने का कोशिश करनी चाहिए। केवल ये नहीं, क्वालिफाइंग में नहीं आना चाहिए, शीर्ष में रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी कुछ संभव। धन्यवाद। प्रतियोगिता में निराश खिलाड़ियों को क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रतियोगिता में जो निराश होगा, निश्चित रूप से प्रयास में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रहेगी, थोड़ी बहुत ही कमी है। आप मान लिया 100 मीटर की रेस होती तो पॉइंट के सेकंडों में अंतर पड़ता है। आपका? मेरा नाम अतुल कुमार सिंह है जी, फाउंडेशन का व्यवस्थापक हूँ। आज पुरुषोत्तमपुर में कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, पुरस्कार वितरण और तमाम समारोह का आयोजन है, ये कैसा कार्यक्रम है? ये हम लोगों का अभी शाम खेलकूद प्रतियोगिता कृतज्ञ फाउंडेशन खेल महोत्सव का आयोजन किया गया था। उसमें जो बच्चे प्रतिभाग किए थे और जो बच्चे उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में प्राप्त हुए थे उनको पुरस्कृत और सम्मानित करने का ये आज का कार्यक्रम रखा गया था। लगभग कितने प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया होगा? लगभग 450 बच्चे इसमें प्रतिभाग किए थे, जिसमें दौड़, मेहंदी प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएं की गई थी। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है? ये कार्यक्रम लगभग 11-12 वर्षों से विगत लगातार कंटिन्यू चलता आ रहा है और अभी कुछ लोगों का सहयोग और मिला है जिसको हम लोग और विस्तृत रूप देने का काम करें। यहाँ के स्थानीय लोगों से क्या संदेश देंगे आप? यहाँ के स्थानीय लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों का कार्यक्रम होता है, उनके बच्चों का कार्यक्रम है, वो यदि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, यदि बच्चों को की प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे तो निश्चय ही यह संस्था हर समय प्रगतिशील रहेगी। धन्यवाद।